अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलोटे एक और दमदार वीडियो के साथ देख सकते हैं। आज हमारे पास तीन बहुत ही शानदार गाड़ियां हैं, महिंद्रा कंपनी की महिंद्रा बुलेरो पिकअप। तीनों ही गाड़ियां हमारी 2022 मॉडल हैं। देख सकते हैं, एक है हमारे पास ये गाड़ी है 1.7, दूसरी 1.3 है, और तीसरी गाड़ी जो है हमारे पास बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस छोटी वाली 1.2 गाड़ी है। तीनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं 2022 में। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं 2022 मॉडल गाड़ियां हैं, तीनों ही 2022 मॉडल गाड़ियां हैं। लेकिन ये गाड़ियां 2023 में आपको कितने रुपए की पड़नी है ऑन रोड, वो आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता देते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये जो हमारे पास गाड़ी है महिंद्रा बुलेरो पिकअप 1.3 गाड़ी है, 13 क्विंटल की पासिंग वाली गाड़ी है। आप इसको 1.7 कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो डाला है वो 9 फिट का डाला है, इसीलिए आप इसको 1.7 कह सकते हैं। लेकिन गाड़ी 1.3 है, ये 13 क्विंटल पासिंग वाली है। अंदर से तो तीनों गाड़ियाँ डैशबोर्ड वैशबोर्ड सब कुछ सेम ही मिल जाता है, बस थोड़ा चेंजेस रहता है। जैसे कि आप पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो आपको सादी वाली सीट मैम हेडरेस्ट वाली सीटें मिलेंगी, सॉरी, अगर आप पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो आपको हेडरेस्ट वाली सीटें मिलेंगी बड़ी वाली। अगर आप सादा स्टीयरिंग लेते हैं तो आपको जो दो सीटें आती हैं सिर्फ दो ही सीटें मिलेंगी, कोई हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई बड़ी बड़ी सीटें नहीं मिलेंगी। देख सकते हैं, ये हमारे पास बुलेरो पिकअप ऐप भी है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3T गाड़ी, ये भी काफ़ी अच्छी है। 2022 मॉडल गाड़ी है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2023 का हो रखा है, लेकिन गाड़ी 2022 मॉडल है। दूसरी जो हमारे पास गाड़ी है बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी है पावर स्टीयरिंग में, ये भी 2022 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी की बात करें हम, 2022 मॉडल गाड़ी हमको कितने रुपए की पड़ रही है छोटी वाली मैक्सी ट्रक प्लस, तो 8,49,000 रुपये की जो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी है हमारी छोटी वाली वो पड़ रही है हमको। और जो हमारी बीच वाली गाड़ी है बुलेरो 1.3T एफ भी जो गाड़ी है हमारी, ये वाली आप देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं एक्टा एक्ट्रॉन्ग 1.3T जो गाड़ी है हमारी, एक बार अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के अगर हम प्राइस की बात करें, ये गाड़ी हमको कितने की पड़ रही है हमारी बुलेरो पिकअप 1.3T जो लंबे बोनेट वाली गाड़ी है 8.5 फिट डाले वाली गाड़ी जो है, तो ये गाड़ी हमारी 9,80,000 रुपये की ये भी हमको पड़ रही है। 13 क्विंटल पासिंग के साथ ये गाड़ी आती है। गाड़ी काफ़ी दमदार है, काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस है। डैशबोर्ड सेम मिल जाता है तीनों गाड़ियों में आपको, जितनी भी आजकल बुलेरो पिकअप आ रही है सब में डैशबोर्ड सेम मिल जाता है। बस जो हमारी कूल ड्राइव आती है एसी वाली उसमें चेंजेस मिलता है, बाकी तो नॉन एसी वाली गाड़ी में सब में सेम ही दिया गया है। लेकिन गाड़ी काफ़ी गजब की गाड़ी है, तीनों की तीनों काफ़ी शानदार गाड़ी है हमारी। बुलेरो 1.3T जो गाड़ी है हमारी 9 फिट डाले वाली गाड़ी जो है 13 क्विंटल पासिंग वाली, इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये जो गाड़ी है हमारी ये भी 9,80,000 रुपये की ही गाड़ी पड़ रही है। 10-20 हज़ार रुपये ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन रेट जो है प्राइस जो है सेम है, क्योंकि 13 क्विंटल पासिंग वाली ये गाड़ी है, 13 क्विंटल पासिंग वाली वो बीच वाली 1.3 है, ये भी 1.3 है, आप इसको 1.7 कह सकते हैं, क्योंकि लंबा बोनेट है इसका और चोरी लंबा डाला है इसका, बोनेट छोटा है, इसलिए ये 1.7 जैसी गाड़ी है, आप इसको 1.7 कह सकते हैं। लेकिन ये है 1.3 गाड़ी, 13 क्विंटल पासिंग वाली गाड़ी, आगे से चेंजेस कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं हेलोजन लैंप चेंज कर दिए गए हैं, विंडो चेंज कर दी गई है, बस इतना ही चेंजेस है। बाकी आपको ये वाली गाड़ी दिखा देते हैं, हमारी बुलेरो पिकअप ऐप भी 1.3T पावर स्टीयरिंग में गाड़ी है हमारी, ये भी हेडरेस्ट बैडरेस्ट वाली सीटें हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, 2022 मॉडल गाड़ी है, हमने 23 का रजिस्ट्रेशन कराया, अभी बताएंगे उसके बारे में। एक बार ये गाड़ी दिखा देते हैं, बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी है हमारी, ये भी 2022 मॉडल है, नीची कमानियों में छोटी वाली गाड़ी है। ये गाड़ी हमारी 8,49,000 की पड़ रही है बुलेरो मैक्सी ट्रक, और जो 1.3T है बीच वाली हमारी 9,80 की है, और साइड वाली जो 1.3 है ये हमारी, जिसको आप 1.7 समझ रहे हैं, ये वाली जो गाड़ी है ये भी हमारी 9,80,000 रुपये की है। इन दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ ऊंची कमानियों में है, बस बोनेट का फ़र्क है, लंबा बोनेट है एक का और एक का छोटा बोनेट है, बाकी गाड़ियों में और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, प्राइस का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 9,80,000 रुपये की आपको ये 1.3 पड़ने वाली है 9 फिट डाले वाली गाड़ी, और 9,80,000 रुपये की ही आपको 1.3 ये बीच वाली जो गाड़ी है हमारी लंबे बोनेट वाली ये पड़ने वाली है आपको। अगर आप 1.7 लेते हैं 17 क्विंटल पासिंग वाली, तो आपको वो गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी, 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क है। बाकी आप जो 1.3 अगर आप ये वाली गाड़ियाँ लेते हैं दोनों की दोनों, तो आपको ये सेम प्राइस पर पड़ने वाली है, क्योंकि इनकी 13 क्विंटल की ही पासिंग है दोनों की। दोनों में आपको 15 नंबर के रेडियल टायर मिल जाएंगे जेके के, जब न्यू गाड़ी लेंगे आप तो रेडियल टायर मिलेंगे 15 नंबर के जेके के, जेके कंपनी के ही ज़्यादातर आ रहे हैं स्टील रिम के साथ। देख सकते हैं आप दोनों ही गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी रोड से जो उठी हुई गाड़ी रहती है काफ़ी ज़्यादा रहती है हमारी, ये इसी वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं गाड़ियाँ, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करती हैं हमारी। जो 1.3 है एक का 9 फिट डाला है, एक का 8.5 फिट डाला है, देख सकते हैं आप गाड़ी दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। आपको मेरे हिसाब से 1.3 ये वाली ले लें आप, या चाहे ये वाली ले लें, आपको इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक ले लेनी चाहिए ऊंची कमानियों में से। अगर आप नीची कमानियों में गाड़ी लेते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी है देख सकते हैं आप बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, नीची कमानियों में गाड़ी है हमारी,
नीची कमानियों में गाड़ी लेने से जो है काफी ज्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं जो हमारी नीची कमानी वाली गाड़ी है उसकी जो कमानी पट्टा है वो नीचे की तरफ लग जाता है, जमीन मर जाता है। जो हमारी ऊंची कमानी वाली गाड़ी है देख सकते हैं इसमें जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है कितना ज्यादा रहता है, कितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। इसी वजह से गड्ढों में उबड़ खाबड़ रास्तों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है हमारी गाड़ी, काफी शानदार परफॉर्मेंस करती है। जो हमारी 1.3 है इसका 8.5 फीट डाला है, जो हमारी मैक्सी ट्रक प्लस है इसका 8 फीट का डाला है। गाड़ी हमारी तीनों की तीनों पावर स्टेयरिंग में है, तीनों ही 2022 मॉडल गाड़ी है, बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस 1.3 और 1.3T जो हमारी 9 फीट डाले वाली गाड़ी है, तीनों ही हमारी 2022 मॉडल गाड़ियां हैं। बस जो हमारी बीच वाली गाड़ी है वो 2022 मॉडल है लेकिन कागज 2023 के हैं, तब भी वो हमको 980,000 की पड़ी है। 1.7 भी 980 की पड़ी है और 849,000 की मैक्सी ट्रक।